ये क्या हो रहा है मम्मी ये जुगाड़ कर रहे हैं कबाड़ से जुगाड़ ओहो कुछ बनाने के लिए हाँ। मैं भी सोच रही थी देखते हैं क्या मिलता है इसमें लकड़ी कैसी है इसमें सारी निकाल कर देखती हूँ फिर बनाएंगे देखो ये मेरे को चार पीस मिले देखो ये वन बड़ा हो गया वन छोटा और हाँ ये से छोटा फोर्थ हो गया ना इनसे बनाएंगे कुछ सुंदर हेलो नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हैं सब आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और आज मैं बना रही हूँ कबाड़ से ही जुगाड़ कर रही हूँ फिर से ये मेरे पास कुछ टुकड़े पड़े थे लकड़ियों के तो इनसे मैंने ये वाल सर्फ़ बनाई है और ये ऑनलाइन बहुत महंगी मिलती है और मेरे पास जैसे टुकड़े थे वैसे वैसे ही मैंने इनको कील से ठोक ठोक के जुगाड़ कर लिया है तो मैंने दो तो ये बना ली हैं इसमें तो तीन स्लैब बन गए हैं और जो दूसरी बनाई उसमें दो स्लैब बने हैं तो इसमें दो बने हैं तो ये इसी तरह के टुकड़े थे कुछ भी मैंने काटा नहीं है इनमें ना ही वो करा है। जैसे थे वैसे से बना लिए और इससे पहला भी जो मैंने आपको दिखाए थे तीन टुकड़े वो चकोर मेरे को मिले हैं तो उनका ये मैं एक वाल डेकोर बना रही हूँ तो ये दो छोटे टुकड़े थे वो तो पायल ने ले लिए हैं कि मैं बनाऊंगी इनसे तो पायल बना रही है इनका और पायल बना रही है जो फेविकलाइक ले आता है ना उसको मिक्स करके और ये छोटी छोटी बत्तियां बना गए इस पर डिजाइन बना रही है उसके बाद इसमें सिस्से लगाएगी और कलर करेगी पहले इन इनपे वाइट कलर कर लिया है एक बार जो घर में रखा था वही दीवार पे जो होता है वही वाला कलर किया है वाइट और तो दो तो इसने ले लिए हैं कि मैं बना रही हूँ और ये इन इनपे इस तरह का पैटर्न बना रही है बत्ती से आप देख सकते हैं ऐसे फेविकोल से भी चिपका सकते हैं और नहीं तो वाल पुट्टी जो होती है ना वाल पुट्टी को गाढ़ा सा घोल बना के उसका डो बना के एक तरह से मतलब और उससे भी ऐसा बन सकता है तो ये इस तरह पायल बना रही थी और मैंने ये जो बड़े वाला सर्कल था मतलब स्क्वायर पीस था इस पर मैंने पैटर्न बना लिए पेंसिल से और मैं सारे शीस्े लगा के देख रही हूँ कि कैसे लगेंगे रख के देख रही हूँ अभी चिपका नहीं रही हूँ क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो वो हटाने पड़ेंगे तो पहले सारे सेट करूँगी तो देखो मैंने सारे में इस पर सारे शीस्े रख लिए हैं अभी चिपकाए है नहीं है देखो अभी एक ऐसे ही रख रखे हैं की रख के देख लेती हूँ कि कैसे लगेंगे और अभी ये जो ये वाली होती है फेवी बोन्ड ट्यूब आती है ये बीस रुपए की आती है पच्चीस की तो इसकी मदद से ही आपके पास ये हो इससे भी चिपका सकते हैं नहीं तो आप फेविकोल से चिपका ले इसे चिपकाने से ऐसा होता है कि ये थोड़ी देर ना हिल जाते हैं कि अगर अगर कोई हिस्सा गलत चिपक गया है तो उसको आप हिला डुला सकते हैं फेविकोल से भी कर सकते हैं ऐसा ही लेकिन फेविक्विक से नहीं होता वो एकदम फिक्स कर देती है और पायल ने अपने बना के तैयार कर दिया है कि अब सूख जाएंगे तो कलर होगा और मेरे को भी अब ये सारे चिपकाने हैं और ये चिपकाने का काम काफी हार्ड है क्योंकि मैं एक एक हिस्सा उठाऊंगी और वहीं पे फेविक बोर्ड लगा के तुरंत वहीं पे रख दूंगी क्योंकि अगर मैं इन्हें सारों को हटा लू तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी कि पैटर्न देखने में कि कौन सा पैटर्न कहाँ था तो अब मैं ऐसे ही एक एक शीसा उठाती जाऊंगी और उसके नीचे फेवी लगा के उसको वहीं पे प्लेस करती जाऊंगी तो इससे ये आसानी से चिपक जाएंगे और मुझे दिक्कत भी नहीं होगी क्लीनिंग तो बाद में होगी इसकी अभी तो मेन चीज है इन सारों को चिपकाना तो इसलिए हल्का हल्का सा लगा के और इस तरह मैं इनको रखती चल जाऊंगी और ये आप 10 मिनट बाद भी अगर इनको हटाएंगे एक बार तो ये हट जाएंगे कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता लेकिन हाँ आधे घंटे में बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं फिर नहीं हटते तो आधे घंटे तक आप इनको थोड़ा सा हिला डुला सकते हैं अगर कोई शीस्ा इधर उधर हो गया है तो उसको ठीक कर सकते हैं आधे घंटे तक फेविबोन से चिपकाने का यही फायदा होता है और मैंने काफी चिपका दिए ये बीच वाले अभी मैं चिपका रही हूं और देखो ये मैंने सारे चिपका लिए हैं अभी आप देख सकते हैं मैं आपको खड़ा करके दिखा देती हूँ तो कितना प्यारा लग रहा है ये बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है अभी पूरा नहीं हुआ है अभी कंप्लीट करूँगी इसे मैं तो इसे मुझे बनाना है येल्लो कलर का क्योंकि जो मैं बैठक में अभी हमने बॉल कि बॉल पे, पे दीवार मतलब कलर कराया है वो येल्लो गोल्डन है तो मैं उसी के अपोजिट साइड इसको लगाऊंगी तो मैंने ये बॉल पुट्टी ले ली है जो मेरे पास रखी थी इसमें डाल लिया है एक चम्मच फेविकोल और अब इसमें मैं डालूंगी येल्लो कलर ये बीस रूपये किसी सी आती है कलर की तो वो ही मैंने लिया है लगभग एक पूरा ही डाल लिया है मैंने क्योंकि मुझे डार्क येलो चाहिए तो ये मैं इसको अच्छे से मिक्स करके एक पतला सा पतला भी नहीं और गाढ़ा भी नहीं ज्यादा मिक्स घोल बना लूंगी ताकि मैं जो ये मैंने मिरर लगाए हैं इस पे लकड़ी पे इनके बीच में फिल कर दू इसको सारे को जो खाली जगह है वो सारी भर जाए तो आप देख सकते हैं ये इस तरह जैसा आटा गूंथते हैं हम उसी तरह का हो गया उससे थोड़ा सा मैंने पतला कर लिया ताकि लगाने में आसानी हो जाए और फेविकोल मिलाया इसमें एक चम्मच अब हमें करना क्या है ऐसे थोड़ा थोड़ा उंगली पे लेना है और इस तरह ये जो शीशे हैं इन सब में जहां जहां गैप है अच्छे से हाथ से इनसे भर लेंगे हम और आप सोच रहे होंगे कि शीशों के ऊपर लग गया है तो शीशों के ऊपर लगेगा एक बार तो जरूर लगेगा लेकिन फिर हम इसे जब ये हल्का सा सूख जाएगा ना तब हमें शीसों के ऊपर से हटा लेंगे तो उससे फिर जो खाली गैप है वो तो भर जाएगा और शीसों के ऊपर से हम साफ़ कर देंगे तो शीशे फिर साफ दिखाई देंगे तो इसी तरह बहुत अच्छे से आपको ये पूरे में फिल करना है और आराम से करें क्योंकि शीशे में किनारी भी होती है कई बार लगने का डर रहता है तो देखो मैंने पूरा फिल करके रख दिया है अभी क्या करूँगी थोड़ा सा टाइट हो गया ये मतलब लगाए हुए से मुझे दस मिनट हो गए थे तो मैं चक्कू लेकर ऊपर से मोटा मोटा सा जो एक्स्ट्रा लग गया था उंगली से उसको निकाल लूँगी शीशों के ऊपर से मोटा मोटा हट जाएगा और जो शीशों के साइडों में भरा है वो वहीं पे फिक्स हो जाएगा तो इस तरह करते हुए मैं इस पर से ये मोटा मोटा सा उतार लेती हूँ जिससे मुझे फिर सूखने के बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको हटाने में और ये हट जाता है इजीली कोई दिक्कत नहीं होती इसे ज़्यादा वो क्योंकि इसमें फेविकोल पड़ा है तो बहुत हार्ड ये नहीं होता है हल्का नरम ही रहता है तो ये हट जाएगा बहुत आसानी से नहीं तो आप चक् की मदद से चम्मच की मदद से इसे हटा सकते हैं अभी इसको लगे हुए दस मिनट होगी देखो अभी इतना टाइट नहीं हुआ कि ना हटे और मैंने मोटा मोटा सा देखो सीज अधिकतर चमक रहे हैं ये मोटा मोटा हटा दिया है इस पर से सारा और अभी ये इसको लगाए हुए मेरे को एक घंटा हो गया है अभी मैं इसको हाथ से ही नाखून की मदद से मिरर साफ़ कर रही हूँ धीरे धीरे एक एक करके एक कपड़ा बिछा लिया मैंने क्योंकि इस पे ही डस्ट डलता रहेगा यहीं पे साइड में और ऐसा धीरे धीरे कर लूँगी थोड़ा गिल्ला है अभी ये क्योंकि मैं गिल्ले को ही कर रही हूँ ज़्यादा सूख जाएगा तो फिर मुझे को ना चक्कू से करना पड़ेगा और चक्कू से फिर ऐसा है कि कई बार अंदर तो से भी निकलने का डर रहता है तो देखो देखो इतना साफ़ हो गया है और बहुत धीरे धीरे साफ़ करना पड़ रहा है बिल्कुल हल्के हाथ से लेकिन बनने के बाद बहुत प्यारा लगेगा जब पूरे क्लियर हो जाएंगे ना और अभी हल्का सा गिल्ला आया तो मैं ऐसे ही हटा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा सूखने के बाद ना फिर मतलब चक्कू से हटाना पड़ेगा अभी हाथ से ही हट जा रहा है धीरे धीरे हट करके हटा रही हूँ तो आप चक्कू से भी हटा सकते हैं जैसे ये है गोल मिरर मैं अभी आपको दिखाती हूँ देखो बिल्कुल साफ हो गया है ऐसे ही सारे कर लूंगी एक ही थोड़ा अभी ये भी ऐसा लगेगा दीवार पर इस वाले इस वाले पे कोने में लगाना है नहीं लगेगा तो कोने में हां ये ऐसा लगेगा हां ऐसे ही तो इस दीवार पे लगेगा पहले ही हां फिर दूसरा इस पर लगेगा ऐसा लगता है जुड़ तो सारा एक साथ जाएगा हाँ जुड़ जाएगा तो पहले जोड़ दे से जोड़ के निशान लग के फिर छेद हो गए तो मैं खेल सकता ये वॉल डेकोर तो मेरा बन गया था कई दिन पहले लेकिन घर में बहुत काम हो रहे हैं तो इसलिए आज मैंने ये भैया बुलाए हैं कई चीज़ें उतरी हुई रखी हैं जो मुझे सेट करानी है दीवार पर अभी देखा आपने एक तो ये मैंने बॉल सेल्फ मंगाया है ऑनलाइन तो वो सेट करा रही हूँ एक बॉल आर्ट और मंगाया है जो लगवाना है ये सोफे वा के पीछे वाली दीवार पर मैं लगवा रही हूँ तो उसके ड्रिल हैं भैया ने ये वाला वो आर्ट है अभी भैया ने छेद करे थे बस वही देख रहे थे और उसके बाद वो इसमें पेच वगैरह लगा के इसको टांग देंगे और ये बिजली वाले भैया हैं जब भी हमारे यहाँ कुछ होता है तो यही आते हैं काम करने के लिए और जो मेरा आर्ट है ये भैया ले रहे हैं अभी इसमें मैंने पीछे ना हुक ले आई थी हैंग करने के लिए ये एक रुपये का एक हुक मिलता है हुक भी मिलता है इसके साथ और एक पेच मिलता है तो मैं ये हुक ले आई थी अब ये तीनों जो भी मेरे आर्ट हैं इनमें मैं लगवा लूँगी इसको और इन्हें भी मैं टीवी वाली दीवार पर लगवाऊंगी अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसा बन के तैयार हुआ है और बनाने के बाद उस दिन के बाद मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं इनकी वीडियो बना लेती कि ये कैसे बने हैं अभी मैं आपको बस डायरेक्ट लगा के ही दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं फिर आप बताना आपको कैसे लगे ये कट्टे में बेकार लकड़ियाँ पड़ी थी और इनसे मैंने एक सुंदर सी चीज बना ली है ये

ये कट्टे में पड़े थे बेचारे बेकार अब यूज हो गए और <laughs> ये लोबी की दीवार पर भी जो पेंटिंग लगानी थी मतलब फोटोज लगाने थे वो लगा लिए हैं और ये भैया यहाँ पर घड़ी के लिए ड्रिल कर रहे हैं और बातें भी कर रहे थे और इधर पायल के रूम में भी काफ़ी सारी पेंटिंग लगी है और ये सारी पेंटिंग पायल ने खुद बनाई है वही हमने लगा ली है मार्केट से कुछ नहीं खरीदा है क्योंकि जब बच्चा मेहनत करता है तो उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए तो ये पायल की बनाई हुई है सारी पेंटिंग जो रखी है तो हमने वो ही सब लगाई है और देखो ये सब रखी है अभी लगनी बाकी है भैया सबको नाप नाप के और ये मैंने ना बोल वो लगवाए हैं इनको बोलते हैं हैंगिंग हुक बोल हुक बोलते हैं हैंगिंग के लिए जो मतलब टोकरी वगैरह हैंग कर देते हैं इन पे तो दो तो मैंने बाहर लगवा रहे बालकनी में और दो यहाँ मैं ऊपर वाले जो ऊपर कमरा है उसके बाहर ये एक सीनरी लगी हुई है इसके दोनों तरफ लगवा रही हूँ बास्केट हैंग करने के लिए देखो ये यहाँ पे लगी है वॉल पे कुछ पेंटिंग्स पायल के रूम में और रूम की हालत देख लो कुछ ये यहाँ पे लगी हैं लोबी में और यहाँ की भी हालत आप देख सकते हैं कितना फैल रहा है सारे में और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ड्राइंग रूम देखो ये भैया अपना सामान पैक कर रहे हैं <laughs> इनका नाम है अरुण आप भी चाहे तो इनसे काम करवा सकते हैं मैं इनका नंबर वीडियो में दे दूंगी नीचे और इनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है ठीक है तो देखो तो ड्राइंग रूम की हालत ये यहाँ पे लग गए हैं मेरे वॉल डेकोर कैसे लग रहे हैं अभी फाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अभी तो बस ऐसे ही फैला हुआ पड़ा है सारे में और हमने ये साढ़े नौ बजे शुरू किया था और अभी एक बज रहा है देख सकते हैं आप वीडियो तो, तो एक दो दिन में अपलोड होगी अभी तो अपने चैनल का नाम बता दे अपना मोदी नगर ठीक है नंबर दे दूं तेरा किसी को चाहिए तो ठीक है ओके तो है। हाँ और अभी मेरा गमलों की पेंटिंग का काम भी कंप्लीट नहीं हुआ है पेंट खत्म हो गया था तो पेंट लेके आई हूँ एक लीटर लग गया पूरा ये दूसरा लीटर आया है और इसमें भी मुझे लगता नहीं हो जाएंगे क्योंकि अभी 25 के आसपास गमले बचे हुए हैं तो ये काम भी साथ साथ चल रहा है और बाकी काम भी साथ साथ चल रहे हैं तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा वॉल डेकोर देखते रहिए मेरी वीडियोज खुश रहिए मस्त रहिए है। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी को नमस्ते और राधे राधे